हेलो गाइस, आप लोगों के एमएचटी सीईटी की जो एग्जाम है वो एग्जाम कल से स्टार्ट हो रही है 2 मई से। किसी की 3 मई के बाद में 5 को नीट है और उसके बाद में भी जो एग्जाम है वो लगातार 13 तारीख तो बायो जिनका ग्रुप है उनकी 13 तारीख तो यहाँ पे एमएचटी सीईटी आपकी है। तो ठीक है बच्चों, मुझे बहुत सारे बच्चों के कॉमेंट्स आ रहे हैं यार, बोल करके बता रहे सर पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो, क्या करें। बच्चों मैं तो बताता हूँ, पढ़ाई नहीं हुई तो खत्म हो गया किस्सा, लेकिन मैं तो भी आपको एक मोटिवेशनल पे बात कर रहा हूँ। देखो जिनकी 8 तारीख 9 तारीख तो एग्जाम है, मेरे पूरे वीडियोस मैंने सीटी का कोर्स लिया है पूरे के पूरे, पहले लेक्चर देखो अच्छी तरह से, आपको मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग ऐसे तीन चार लेक्चर दिन में देख सकते हो, क्योंकि 20 मिनट 22 30 मिनट का लेक्चर ज्यादा से ज्यादा, तो आप फोकस करो। ये तुक्का लगाने की बात तो बाद में की है, लास्ट नाइट तो कुछ बच्चों की लाश नहीं दी है 2 तारीख की जिनकी एग्जाम है उनके लिए तुक्का कैसे लगा इसके ऊपर बात करें। एक्चुअल में तुक्का लगाना ही गलत बात है, लेकिन अब पढ़ाई नहीं हुई तो करे क्या, तो इसलिए मैं ये आपको मैक्सिमम मार्क को करने के लिए बता रहा हूँ। अब एक तो सबसे मेन जो सीईटी एग्जाम जो है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, 200 क्वेश्चन है टोटल, 200 सवाल है यहाँ पे, जो पीसीपी या पीसीएम वाले है उनके 200 सवाल है, 50 फिजिक्स 50 केमिस्ट्री 100 मैथ्स और बायो वाले में बॉटनी और जू ऐसे 50-50 मिलके 100 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होने के कारण हम सीईटी के अंदर डायरेक्ट तुक्का लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नीट में थोड़ा सोच समझकर हमको तुक्का लगाने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पे तुक्का लगाने के लिए देखो बच्चों, सबसे पहले एक यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना कि 4 ऑप्शन होने वाले हैं और 4 ऑप्शन में आप लोगों को यहां पे देखना है कि अगर ए सही है, या हम लोगों को पता है कि यहां पे बी गलत है, पक्का गलत है, इसको एलिमेंट्री मेथड्स बोलते हैं। ये मेथड्स के थ्रू बच्चों मैंने यहां पे पढ़ाई करके मतलब ऐसे क्वेश्चंस पेपर का मेरे पास एक बुक्स है, इस बुक्स में देख के मैं बता रहा हूं, मतलब टोटल क्वेश्चन पेपर मैंने चेक किए हैं, उसके थ्रू मैं तुक्का कैसे लगा सकते हैं इसका मैं अंदाजा बोल रहा हूं। ये पक्का नहीं है, ध्यान में रखना, ओके, लेकिन मैं इससे अंदाज से बता रहा हूं कि पूरे क्वेश्चन पेपर देखने के बाद किसका ऑप्शन क्या है क्या नहीं है वो देखने के बाद मैं यहां पे आपको बताने जा रहा हूं। तो सीईटी में और नीट में भी, नीट का भी क्वेश्चन पेपर का सेट मेरे पास है, टोटल स्टडी करके बाद में मैं ये नीट में कैसे तुक्का लगाना चाहिए बताऊंगा आपको। तो यहां पे बच्चों अगर आपको बी ऑप्शन पता है तो दोनों के बीच में का यहां पे आंसर को राइट करना है, मतलब सी आंसर यहां पे करेक्ट होगा। अगर यहां पे आपका ए पता है कि सही में गलत है, अगर पता है तो, नहीं पता है तो ये भी बताऊंगा मैं आपको, ओके। तो यहां पे बच्चों आपको सी को ही टिक करना है, आपको पता है कि यहां पे सी गलत है तो बीच में कौन आ रहा है, बी, तो बी को करेक्ट करो, ओके। अगर आपको पता है कि डी यहां पर गलत है तो आप बी को करेक्ट करोगे, ओके। तो आप बोलेंगे सर ए में कभी कभी मिनिमम आंसर होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन ध्यान में रखना इसके अलावा भी और भी बताऊंगा, अगर ये पता है तो, कोई ऑप्शंस गलत है ये पता है तो, अगर हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, तो हम लोगों को बच्चों यहां पर 3-3 का ग्रुप करो, 3-3 के ग्रुप में आप लोगों को ऐसे बांटना है इसको, ओके, ये 3 में आपने बांट दिया। अब इसमें क्या करना है, पहले सोचो कि समझो मैंने यहां पे बी को गोल कर दिया, इसे गोल करते हैं हम लोग, बाद में काम करना है आपको इसको गोल करो ए को, बाद में इसको बी को गोल करना चालू करो, ओके। तो इस मेथड से चलो, क्या हो जाता बच्चों 3 में से यहां पे एक तो करेक्ट आ जाता है, 3 में से एक तो, मतलब ए या इसमें जैसे मैंने बी किया है तो बी में से एक तो आंसर करेक्ट आ जाता है, मतलब 100% तो करेक्ट नहीं आ सकता हमारे आंसर, लेकिन 3 में से एक तो कोई एक हो सकता है, कभी कभी 2 भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। ये मेथड्स तो ये समझ लेना कि आपको क्या करना है। अगर नीट के बारे में मैं बात करूं, नीट 2019 में, तो नीट में क्या है कि अगर आपका गलत हो गया तो 1 मार्क माइनस होता है, अगर आपका सही आएगा तो 4 नंबर प्लस होते हैं। अगर मैं ये मेथड बता रहा हूं आपको, ये मेथड नीट में भी करना है। अब नीट में क्या हो जाता है, समझो 3 में से हमारे 2 गलत आ गए, 1 करेक्ट आ गया, समझो यहां पे, तो प्लस 4 और माइनस 2 हो रहे,
तो हमको दो नंबर तो मिल रहे कम से कम। ओके समझो, ठीक है, हमारे तीनों भी गलत आ गए तो तीन माइनस हो रही है, बराबर है, इसमें एक बराबर आ गया, एक ही बराबर आ गया समझो, तो यहां पे छह में से तो भी लॉस नहीं होगा, यहां पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब इस दो में करेक्ट आ गया, इसमें एक भी करेक्ट नहीं आ गया, मतलब नौ में से यहां पे दो करेक्ट है, मतलब प्लस चार है, तो दो है मतलब सात है, तो भी बच्चों हम लोग प्लस में यहां पे नौ में से सात, सात दो करेक्ट है तो आठ में से सात गए बच्चों, तो भी हम लोग वन प्लस में रह रहे, लेकिन कब लगाना चाहिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके अगर आपके 600 नंबर्स आ रहे हैं, मत लगाओ ऐसे टाइम पे, तुक्का मत लगाओ, इन बच्चों ने नहीं लगाना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं सर मुझे इतने नंबर आने के चांस है, अब ये तो आपको बाउंड्री पे, अब हो सकता है कि नंबर अच्छा है, उन्हें के लिए 500 नंबर होना चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए, तो आप लोगों को एक टाइम पे तुक्का लगाना चालू करो, नहीं तो मत करो। दूसरी बात यह है बच्चों, जो बायो वाले स्टूडेंट है उन लोगों को पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में अगर कोई वर्ड ऑप्शन में मैच करो तो उसको चिपका दो, ये भी तरीका होता है, ये बायो में कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं, फिजिक्स में नहीं, क्योंकि फिजिक्स में यहां पे पूरे कैलकुलेशन बेसिस पे होता है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, मैं क्या बता रहा हूं आपको, बायो में पूरी जो क्वेश्चन होती है पूरी क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ना है, कोई ऑप्शन इसको मैच करता है क्या, है ना, मतलब उसका मीनिंग उसको लगभग कुछ मैच कर रहा है तो बच्चों उसको हम लोग करेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन मैंने आपको बताया तीन तीन को यहां पे इकट्ठा करके जो ऑप्शन, अभी कभी कभी क्या होने वाला है, सेवन नंबर का मुझे आंसर पता है, जैसे कि यहां पे सी आंसर है, तो हम लोग इस सेवन को छोड़ के एट नाइन टेन करेंगे, समझ में आ रहा है, तो ये तुक्का लगाने की ट्रिक्स होती है बच्चों, तुक्का लगाना कैसे लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक एलिमेंट्री पद्धति है, मतलब एक मेथड है, इससे हम लोगों को यह करना पड़ता है कि जो ऑप्शंस पता है उसके बीच में ऑप्शंस सेलेक्ट करो, अगर पता है तो, बिल्कुल पता नहीं है तो हम तीन तीन को ग्रुप करने वाले, जो बीच में पता है उसको छोड़ने वाले, तो ए ए बी बी सी सी डी डी ऐसे करना है आपको, तीन में से एक ऑप्शन तो कोई करेक्ट हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं। बच्चों देखो ये तुक्का लगाने की मेथड ही गलत है एक्चुअल में, मतलब तुक्का नहीं लगा सकते हम लोग कहीं पे भी, है ना, लेकिन लक नहीं बता सकते, किसी का लक अच्छा रहा तो ये ट्रिक्स इतनी अच्छी काम आ जाएगी आपको कि आपका नंबर लग चला जाएगा। ओके मतलब नंबर लग सकता है नीट में भी और सीटी में भी, ये बात समझ में आ गई। नंबर वन मेथड्स एलिमेंट्री मेथड्स है, उसको हमको एक पता रहा तो बीच में ऑप्शन थ्री थ्री के ग्रुप्स करना है। बायो में मैं दोबारा बोल रहा हूं, बायो और केमिस्ट्री में हम लोगों को अच्छी तरह से साइलेंटली क्वेश्चंस पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो, अगर उसका मीनिंग उसको मैच करता है तो उसी को पहले चिपका दो, ठीक है। तो होप करता हूं बच्चों की ये ट्रिक्स आपको काम आ जाएगी और आपको अच्छे नंबर्स मिलके आप लोग कहीं ना कहीं अच्छे सेटल हो जाओगे। नीट में नंबर मतलब मेडिकल को नंबर भी लग सकता है, हो सकता है आपका लग अगर अच्छा हो तो पहली बात तो सबसे पहले रिवीजन पे फोकस करो, जितने फार्मूले वो पढ़ सकते हो उतने पढ़ो, और मेरे तरफ से आपको बेस्ट लक।